दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआर बुशा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। अपीलों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। इससे से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज अवैस अब्बासी से। जी अवैस, क्या मालूम है मजीद? जी बिल्कुल, देखिए दौरान इद्दत निकाह केस पे जो आज सुबह समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, ताहम उस वक्त जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो मेन वकील है रिजवान अब्बासी, उनके मौन वकील ने कहा कि रिजवान अब्बासी दलाइल देना चाहते हैं, ताहम वो बोर्ड से बाहर हैं, लिहाजा केस की समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर जो है मौजूद जज ने यह कहा था कि रिजवान अब्बासी वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दें, लेकिन आज इसका फैसला सुनाया जाएगा। ताहम रिजवान अब्बासी जो वीडियो लिंक के लिए दलाइल तो नहीं, उनकी जगह उनके मौन वकील ने दलाइल दी। इस हवाले से जो आज तफसीली तौर पर जो है केस पे जरा हुई है, मुतवीपी के वकील ने भी जवाब दिलाए थे, इसके साथ साथ जो मोहम्मद वकील थे रिजवान अब्बासी के, उन्होंने भी जो है काफी देर दलाइल दिए। तो दलाइल के बाद जो है शिकायत जिंदा रिजवान वकील वासी मोहम्मद जो थे उन्होंने जो है वो समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। उनका ये कहना था रिजवान अब्बासी आयदे समाअत पर दलाइल देंगे, ताहम जो है रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क के मसरूफियात में जो छोटी सी तारीख दे दें, 28 मई को वतन वापस आएंगे। तब इसके ऊपर जो जज शाहरुख अर्जुमंद ने जो है वो इस वाले से उन्होंने जो है फर्दर वक्त नहीं देते, वो इसका फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला जो है 29 मई को सुनाया जाएगा। अवैस अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। इद्दत में निकाह का केस होना ही नहीं चाहिए था। अलीमा खान का कहना है कि निकाह का केस आज ही खत्म हो जाना चाहिए। आज केस खत्म हो जाता तो बुशा बीबी रिहा हो जाती। मजीद उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। देखें, अगर महफूज हो गया तो जैसे हमने कहा ये अव्वल केस होना ही नहीं चाहिए था। ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि जो पाकिस्तान में इन्होंने नया एक वो प्रेसिडेंट सेट करें, लेकिन इसको आज ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आज ये ख़त्म हो जाते तो बुशरा बीबी आज रिहा हो जाना चाहिए, आज ही उनको रिहा हो जाना चाहिए। और अगर ये महफूज 2 महीने रखते हैं, इनका क्या पता है, ये इन्होंने तंग करना होता है तो फैसले भी महफूज हो जाते हैं कितने कितने महीने। तो बस हम दुआ कर सकते हैं कि इन लोगों को